डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को रिलीज होने में अभी सिर्फ 9 दिन बचे हैं। सभी को पता है इसमें हमें मल्टीवर्स दिखाया जाएगा, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के 3 वेरिएंट्स और वांडा के 2। लेकिन इस मूवी को देखने से पहले हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की अभी तक की पूरी कहानी पता होना जरूरी है, जिससे इस मूवी का देखने का मजा दुगना हो जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को देखने से पहले कौन कौन सी मूवीज और वेब सीरीज देखना कंपलसरी है, इसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आई बटन पर शो हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। चलो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी को। डॉक्टर स्ट्रेंज का ओरिजिन एमसीयू में हमें 2016 से दिखाया है, क्योंकि वही वो वक्त था जब डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक सुपर हीरो बने। इस मूवी की पूरी कहानी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, जिसकी लिंक भी आई बटन पर शो हो रही है। आप इस लिंक पर क्लिक करके वो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में एक ओवरऑल स्टोरी तो बताऊंगा ही। 2016 में दिखाते हैं स्टीफन एक बहुत बड़े सर्जन है और वो क्रिस्टीन पामर को पसंद करते हैं। डॉक्टर क्रिस्टीन भी स्टीफन को पसंद करती है, पर वो स्टीफन के ईगो को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए वो स्टीफन के साथ एक पार्टी में जाने से मना कर देती है। वहाँ जाते वक्त स्टीफन का एक्सीडेंट हो जाता है और स्टीफन अपने हाथों की काबिलियत को खो बैठते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कमरताज नाम की जगह पर वो ठीक हो सकते हैं, पर वहाँ जब वो जाते हैं तब उन्हें उनकी गुरु एसिएंट 1 के द्वारा स्पिरिचुअल ज्ञान की प्राप्ति होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे काफी मैजिकल पावर सीखते हैं। पर डॉक्टर के लिए इतना काफी नहीं था, इसलिए वो वहाँ के लाइब्रेरियन वोंग से बुक ले लेकर पढ़ते रहते हैं और कुछ बुक वो चुरा कर भी पढ़ते हैं जिन्हें पढ़ना मना है। इससे वो टाइम स्टोन का यूज करना भी सीख जाते हैं, जो कि इस आई ऑफ एगोमेटो में रखा हुआ है। उसी दौरान काइसिलियस नाम का एक विलन कमरताज पर अटैक करता है, जिसको रोकते वक्त एंशिएंट 1 मारी जाती है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को टाइम लूप में फंसा कर उसको मजबूर कर देते हैं कि ये टाइम लूप तभी टूटेगा जब तुम काइसिलियस को अपने पास बुला लोगे और अर्थ से चले जाओगे, वरना तुम मुझे बार बार ऐसे ही मारते रहना और मैं वापस आता रहूंगा। डोरमामू थक हार कर डॉक्टर की बात मान लेता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में मोल्डो नाम का भी एक कैरेक्टर है, जो कि एसिएंट 1 का बहुत बड़ा भक्त था, पर जब उसे पता चला हर वक्त अच्छाई का ज्ञान देने वाली गुरु भी बुराई को रोकने के लिए खुद डार्क पावर यूज करती है, जिस वजह से उसका सब पर से भरोसा उड़ जाता है। इसलिए मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं मोल्डो अब बाकी सॉर्सरर सुप्रीम की पावर को छीन करके खुद पावरफुल बन रहा है। सॉर्सरर सुप्रीम वो होते हैं जो इन पावर्स का बखूबी यूज कर सकते हैं और उन पर जिम्मेदारी होती है कि जब भी कोई खतरा आएगा वो सबसे आगे रहेंगे। अब डॉक्टर स्ट्रेंज का अपीयरेंस हुआ था थॉर रैग्नारोक में, जिसमें जब थॉर और लोकी अर्थ आते हैं ओल्डन को ढूंढने के लिए, तो लोकी को एज अ थ्रेट समझकर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे गायब कर देते हैं। फिर सही वजह पता चलने पर वो उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब हल्क स्पेस से सीधा डॉक्टर के सेंटम सेंटोरम में आकर गिरता है, तो वो बताता है कि थेनोस आने वाला है। फिर बैनर और डॉक्टर टोनी से जाकर मिलते हैं, पर जब तक वो कुछ प्लान बनाते तब तक थेनोस के बच्चे टाइम स्टोन लेने आ चुके थे, लेकिन इवोनिमो डॉक्टर से टाइम स्टोन लेने में नाकामयाब रहता है, इसलिए वो उन्हें अपने साथ अपने स्पेसशिप में ले जाता है। डॉक्टर की हेल्प के लिए आयरन मैन और स्पाइडरमैन दोनों ही उस स्पेसक्राफ्ट में चले जाते हैं। वहाँ आयरन मैन और स्पाइडरमैन मिलकर इवोनिमो को मार देते हैं। देन वो थेनोस के घर यानी टाइटन प्लेनेट पर क्रैश लैंडिंग करते हैं। इधर तब तक थेनोस और उसके बच्चे बाकी स्टोन्स कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब थेनोस टाइम स्टोन लेने टाइटन पर आता है तब तक सभी सुपर हीरोज ने अपनी सेटिंग बना रखी थी, इसलिए वो सभी थेनोस को एक टफ फाइट देते हैं। पर आयरन मैन को मरता देख डॉक्टर खुद टाइम स्टोन थेनोस को दे देता है। नाउ थेनोस अर्थ पहुंचकर बाकी के स्टोन्स लेकर चुटकी बजा देता है, जिस वजह से होल यूनिवर्स से आधे से ज्यादा प्रजातियों के लोग वैनिश हो जाते हैं, जिसमें खुद डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन और बाकी सुपर हीरोज भी वैनिश हो जाते हैं। पर जाने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन से कहते हैं यही एक रास्ता था। अब दिखाते हैं आगे की कहानी एवेंजर्स एंड गेम में। यहाँ बाकी एवेंजर्स कैप्टन मार्वल की वजह से ही थेनोस का पता ढूंढ पाते हैं और वहाँ जाकर जब वो देखते हैं थेनोस ने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन ही डिस्ट्रॉय कर दिए, इस वजह से अब किसी को वापस नहीं लाया जा सकता था, तो थॉर गुस्से में थेनोस की गर्दन उड़ा देता है। फिर 5 साल बाद यानी 2023 में टोनी टाइम ट्रेवल की खोज कर लेता है, जिस वजह से बाकी गायब हुए लोग वापस आ जाते हैं।
जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन और काफी सारे सुपर हीरोज भी थे। नाउ डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को इशारा करता है और टोनी खुद इन्फिनिटी स्टोन्स को पहनकर स्नैप करता है, जिस वजह से पास्ट से आया हुआ थैनोस तो मारा जाता है। ये वो इन्फिनिटी स्टोन्स थे जो सभी एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके पास्ट से लेकर आते हैं। स्नैप की वजह से टोनी भी मारा जाता है। अब इसके आगे की कहानी स्टार्ट होती है स्पाइडरमैन नो वे होम में, जिसमें पीटर यानी स्पाइडरमैन की एक गलती से डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल गलत हो जाता है और मल्टीवर्स ओपन हो जाता है, जिस वजह से हमारे मेन स्पाइडरमैन से बाकी के दो और स्पाइडरमैन आकर मिलते हैं जो कि अलग यूनिवर्स के थे। एट द एंड सब ठीक हो जाता है और डॉक्टर उनको भी वापस भेज देते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 तो इसी इवेंट के बाद की स्टोरी होगी, पर बेटर कनेक्ट होने के लिए अभी एक चीज और मिसिंग है जो कि है व्हाट इफ सीरीज का एपिसोड 4। हाँ, व्हाट इफ का एपिसोड 4 डॉक्टर स्ट्रेंज पर ही वेस्ट था, जिसमें बताया गया कि इस यूनिवर्स में क्रिस्टीन पामर डॉक्टर के साथ पार्टी में जाती है और एक्सीडेंट में इस बार डॉक्टर को कुछ नहीं होता पर क्रिस्टीन की डेथ हो जाती है। चूंकि डॉक्टर उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे तो वो टूट जाते हैं और कमरताज पहुंचते हैं। वहां वो वही सारी मिस्टिकल पावर सीखते हैं। फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं टाइम स्टोन का यूज कर वापस जाकर क्रिस्टीन को बचा सकूं, पर डॉक्टर के लाख कोशिश करने पर भी ऐसा नहीं हो पाता। चाहे वो क्रिस्टीन के साथ पार्टी में जाए या ना जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा था जिससे क्रिस्टीन की डेथ हो रही थी। देन गुरुमा की सोल डॉक्टर से आकर कहती है कि ऐसा मत करो, तुम पूरी दुनिया को खतरे में डाल दोगे। हर किसी की लाइफ में कुछ एब्सोल्यूट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, और क्रिस्टीन का मरना यहाँ एब्सोल्यूट पॉइंट है, क्योंकि क्रिस्टीन का मरना ही तुम्हारे डॉक्टर स्ट्रेंज बनने की वजह है। और अगर तुम उसे बचा लेते हो तो तुम कभी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बनोगे, और अगर तुम डॉक्टर स्ट्रेंज बने नहीं तो फिर तुमने उसे बचाया कैसे। इसलिए ये एक पैराडॉक्स की तरह है, और अगर तुमने ये रूल तोड़ने की कोशिश की तो इसके रिजल्ट डेंजर हो सकते हैं। पर डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं मानता और अब वो अलग यूनिवर्स के सॉसरर और पावरफुल बींग्स को बुलाकर उनकी पावर्स को एब्जर्व करता रहता है, और ऐसा करते करते बहुत पावरफुल बन जाता है। अब पावरफुल के साथ साथ वो इविल भी बन जाता है। अब हमें दिखाते हैं एक अदर यूनिवर्स जिसके डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वही गुरुमा की सोल आती है। वो उसे सब कुछ बताती है कि जब मैं तुम्हें समझाने आई थी तभी मैंने तुम्हारे दो अक्ष बना दिए थे, जिस वजह से एक जैसे दो वर्ल्ड बन गए, जिसमें से एक तो तुम थे जिसने मेरा डिसीजन मान लिया और दूसरा वो जिसने नहीं माना, और अब उसी की वजह से दोनों वर्ल्ड डेंजर में आ चुके हैं और तुम ही उसे रोक सकते हो। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने जाते हैं तो वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को भी एब्जर्व कर लेता है, और फिर वो इतना पावरफुल बन जाता है कि अब वो अपने वर्ल्ड को किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकता था। इसलिए अब वो टाइम में फिर पीछे जाता है और उस एक्सीडेंट के दौरान ही सब अपने कंट्रोल में रखकर क्रिस्टीन को बचा लेता है। क्रिस्टीन के बचते ही दोनों वर्ल्ड इरेज होने लगते हैं, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और हाँ, एक बात और, हमें इस पूरी सीरीज में ये दिखाया है कि सारे मल्टीवर्स पर वॉचर की नजर है, मतलब किस यूनिवर्स में क्या हो रहा है इसे वॉचर देखता रहता है और किसी को उसकी प्रेजेंस का एहसास नहीं होता, चाहे वॉचर कुछ भी बोलता रहे। पर जब इविल डॉक्टर काफी पावरफुल बनता जाता है तो उसे वॉचर की प्रेजेंस फील होने लगती है। उसे लगता है कि कोई तो है जो हम पर नजर बनाए हुए है। फिर एंड में जब सारा वर्ल्ड इरेज होने लगता है तब डॉक्टर एक पॉकेट डायमेंशन बना लेता है जिससे वो क्रिस्टीन को जिंदा रख सके, क्योंकि वो भी इरेज हो रही थी। फिर वॉचर अपने रूल तोड़ते हुए इविल डॉक्टर के सामने आता है और उसे उसकी गलती का एहसास कराता है। इविल डॉक्टर सब कुछ ठीक करने के लिए वॉचर की हेल्प मांगता है, पर वॉचर कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। और देखते ही देखते क्रिस्टीन भी इरेज हो जाती है। अब बस खुद इविल डॉक्टर ही जिंदा बचा हुआ था, वो भी अपनी पॉकेट डायमेंशन की वजह से। अब व्हाट इफ सीरीज का ये एपिसोड इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही देखा कि वर्ल्ड इरेज हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि डॉक्टर ने एब्सोल्यूट पॉइंट से छेड़छाड़ की है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। पर ये भी हो सकता है कि इस मूवी में एब्सोल्यूट पॉइंट से छेड़छाड़ करने वाले डॉक्टर नहीं बल्कि वांडा हो, क्योंकि वांडा विजन में वो अपने इमेजिनेशन के बच्चों को इतना प्यार करने लगी थी कि अब वो उनके बिना नहीं रह सकती, इसलिए उनको वापस लाने के चक्कर में ये गड़बड़ हो जाए। वांडा की फुल ओरिजिन स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।